Hi folks, good to see you all again. सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज से रमज़ान का शुभ महीना शुरू हुआ है और ईश्वर से अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो कोरोना वायरस को हमारे देश से भगाए, इस दुनिया से भगाए और इस बीमारी से हम सबको निजात मिले। सो ऑन दिस वेलकम नोट वील बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वोकैबुलरी। First, you have to understand what is the term vocabulary. Vocabulary means different type of words. हम एक चीज के लिए एक ही वर्ड का यूज नहीं करते हैं। हमेशा ए से एप्पल नहीं होता है, ए से एंट भी होता है, ए से एलिगेटर भी होता है। There are so many different words. तो इसका ज्ञान, शब्दों का ज्ञान is known as vocabulary. जैसे मैं बार बार आपसे बोलती आई हूँ कि अपने आसपास की दुनिया को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुनिए, अपनी किताबों में नए शब्द खोजिए, डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑनलाइन रहिए। और ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं या आप टिकटॉकिंग कर रहे हैं, बट यू कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन अ वेरी फ्रूटफुल मैनर टू। सो जो पहला हमारा चैप्टर है दैट इज वोकैबुलरी। दिस इज ऑल डिक्शनरी बेस्ड। यू हैव टू ओपन योर डिक्शनरीज एंड फर्स्ट जो इसमें हमें प्रैक्टिस में करना है दैट इज वी हैव टू राइट दीज गिवन वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पर हमें कहीं कहीं गलत वर्ड्स दिए गए हैं और जिनका कोई सेंस नहीं है, हमें उसे करेक्ट करके लिखना है। आई विल बी डूइंग वन फॉर यू। फर्स्ट इज QUISTION। इज दिस एनी वर्ड? क्या आप ऐसे किसी शब्द से फेमिलियर हैं? नहीं ना। द करेक्ट वर्ड इज क्वेश्चन। QUESTION इज क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वेश्चन। सेकेंड वर्ड इज इंजॉयमेंट, बट यहां पर गलत स्पेलिंग दिया है। ENGOYMENT विच हैज टू बी रिटन करेक्टली एज ENGOJOYMENT। एम आई क्लियर? ENJOYMENT। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सिक्स क्लास में आ गए आप। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज एज वी नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 अल्फाबेट्स, 5 आर वोवल्स, द अदर रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स। एंड इफ देर इज अ क्वेश्चन विच सेज दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट मीन्स यू हैव टू अरेंज स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू टिल जेड। बट आप इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ए से बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट वॉट वी हैव टू सी इज कि उसका नेक्स्ट वाला जो अल्फाबेट है वो भी उस सीरीज में पहले ही आना चाहिए, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ही आना चाहिए। लेट मी इलाबरेट दिस। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ए से जितने अगर हमें ये दिया जाए अरेंज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वॉट विल डू इज कि हम ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे उन्हें लिख देंगे, बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। बट वी हैव टू से देर आर जस्ट मार्क देम अरिथमेटिक, देर इज एस्थमा एंड देर इज अमोनिया। ऑल द थ्री वर्ड स्टार्ट विद ए, बट इसका कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट देखिए, ए अमोनिया हैज एम, अरिथमेटिक हैज आर एंड एस्थमा हैज एस। So M come before R and S, so the first word will be ammonia. Then again second will be arithmetic and third will be asthma. I hope you got it. You have to see the first letter, then उसके बाद में आने वाला जो आया है alphabet उसको भी हमने alphabetical order में ही लिखना है। So ऐसे करके आपको पूरी की पूरी exercise करनी है। Then, if you have any doubts, we can consider those doubts on Saturday or Sunday class. So please, अपनी books को हमेशा pencil से fill करिए, don't use the pen because आप pen से erase नहीं कर पाएंगे. And still you have any doubts, you can call to me or we can discuss these later. Then, C is choose and write synonyms to the following words. What are synonyms? Synonyms are what? Same meaning words. The words which have same meaning. The words which have same meanings are known as synonyms, same meaning words.
अ लिस्ट इज गिवन हियर और उसके ऊपर आपको येलो कलर के कॉलम में सारे सैनोनिम्स दिए गए हैं, आपको वर्ड्स पढ़ने हैं और ऊपर से उसके करेक्ट मीनिंग लिखकर नीचे आपको लिखने हैं। आई विल बी गिविंग द फर्स्ट वन। हॉस्टैलिटी इज एनमिटी। हॉस्टैलिटी मीन्स वेरी स्ट्रांग। एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत पैसा खर्च करता हो, ही इज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ही हैज एक्सपेंसिव कार्स, वो बहुत खर्चीला है, बहुत पैसे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, उसका हाथ बहुत खुला है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। फेथफुलनेस, जो हमेशा लॉयल रहता है, हम हमेशा लिखते हैं फेथफुल, आपकी आज्ञाकारी शिष्य इज फेथफुल और लॉयल्टी। देन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इज विक्ट्री, जीत हासिल करना। एग्रीएबल, जिसपे आप राजी हो, मैं भी जाऊंगी आपके साथ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आई विल कम विद यू, एग्रीएबल, मैं भी आपके साथ आऊंगी। एंड द वर्ल्ड इज प्लेजेंट। देन शाइनिंग मीन्स ब्राइट, जैसे आप लोग चमक रहे हैं सारे के सारे छुट्टियों में अपने घरों में, ऐसे ही शाइनिंग मीन्स ब्राइट, मेरे सारे बच्चे आर माय शाइनिंग स्टार्स, माय शाइनिंग आर्मर्स। अब बाकी की जो दो लाइंस हैं, आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, यूज, यू कैन मेक यूज ऑफ डिक्शनरी, यू कैन मेक यूज ऑफ योर मोबाइल फोन और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू। नेक्स्ट पेज इज चूज एंड राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, जो उल्टे शब्द होते हैं या विपरीत शब्द जिन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे भी सेम, येलो कॉलम में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे आपको उन वर्ड्स के वहां से एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, विपरीत अर्थक शब्द चुनकर इन ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट आई विल बी डूइंग फॉर यू शार्प, धार वाला, ब्लंट, जिसकी धार ना हो। देन इट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर? बिल्कुल कुछ करना नहीं है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस वर्ड, बहुत ध्यान से हर एक का मीनिंग समझना है और उसके विपरीत अर्थक शब्द आपको ऊपर दिए गए येलो बॉक्स में निकालकर नीचे डालना है। देन होमोफोन्स, होमोफोन्स द वर्ड्स विच प्रोनाउंस सिमिलरली, जिसको हम सिमिलर एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग टू। देयर और देयर में हम बहुत गलती करते हैं, टी एच ई आर ई देयर, वहां टी एच ई आई आर उनका, इसमें हम बहुत गलती करते हैं। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, देयर एंड देयर, दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एंड दीज आर नोन एज होमोफोन्स। यहाँ पर आपको होमोफोन्स दिए गए हैं, बर्थ, जन्म देना। आप ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो वहां पर आपकी एक सीट रिजर्व होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको इनके मीनिंग्स अपनी डिक्शनरी में से देखकर यहाँ पर डालने हैं। ऑल क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज एफ। बहुत सिंपल है, वर्ड्स दिए गए हैं, हेल्प बॉक्स दिया गया है, यू हैव टू चूज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और हेल्प बॉक्स में से एक एक वर्ड चुनकर उसके सामने लिखते जाना है। नो लॉन्गर इज इन यूज, जिसका हम अब इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास है तो लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, द वर्ड इज ऑब्सोलीट, कि ये हमारे पास है तो बट अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट इज अकाउंटेबल, जो हमारा है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी मेरी है, मेरा काम है टीचर की बात को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना, मतलब स्टडी इज माई अकाउंटेबिलिटी। अगर मेरी माँ ने मुझे कहा है कि आज उसे मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं अकाउंटेबल हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी माँ की हेल्प करूँ, एंड द वर्ल्ड इज अकाउंटेबल। सो यू हैव टू गो थ्रू, 10 तक है, 2 आई हैव डन फॉर यू और बाकी 8 आपको हेल्प बॉक्स में से सहायता लेकर कम्प्लीट करने हैं। एंड आई एम श्योर कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर ऑल वेरी फेमिलियर विद द यूज ऑफ द डिक्शनरी एंड दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट पीनट्स। सो वी विल जस्ट वाइंड अप लेसन नंबर 1 एंड वी विल बी मीटिंग अगेन फॉर द चैप्टर नंबर 2, दैट इज नाउ। आपके पास पूरा कंटेंट है, उसे पढ़िए ध्यान से, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नया वर्ड है, ये बहुत सालों से हम कर रहे हैं।